10 सेकंड में नहीं बचता, ये रॉन्ग रॉन्ग ये की हो, 5 सेकंड में बचता है। पुरुषों के में बहुत ही सुंदर मैच का आगाज हुआ है, हाथीसरा वर्सेस झारखंड। बहुत ही शानदार आज का चौथा मैच का आगाज हो चुका है पूरे स्वर्ग में, झारखंड वर्सेस हाथीसरा। शानदार तरीके से यहां पर प्लान करने की कोशिश और उतने ही शानदार पकड़ झारखंड के द्वारा। पांचवा मैच है सॉरी पूरे स्वर्ग में। इसी बीच पहले अंक की तलाश पर हाथीसरा, क्या डिफेंड कर पाएंगे इस रेडर को और सुरक्षित अपनी कोर्ट पर वापिस एंटी रिंग। झारखंड डिफेंड में एक अंक जीत के हैं, अभी 7 खिलाड़ी कोर्ट पर मौजूद हैं। इस प्रकार से बोनस ऑन है, बार बार रनिंग है टच करने की कोशिश। 80 नंबर के जर्सी के खिलाड़ी बैक किक होल्ड किक सारे किक मारने की कोशिश चालकदमी करते हुए, और डूवर डाई रेड है यह 8 नंबर जर्सी का खिलाड़ी। इसमें डिफेंडर को ज्यादा रिस्क लेने की जरूरत नहीं होती है, जब डूवर डाइड होता है तो थ्रो टच करने की कोशिश, यहां पर बैक मारने की कोशिश। मैंने पहले ही कह दिया था कि डिफेंडर को इसमें गलती नहीं करनी है, लेकिन गलती कर बैठे। मैदान के अंदर जो दर्शक खड़े होकर मैच देख रहे हैं, आप सभी से आग्रह, मैदान के बाहर आए जितने भी जो दर्शक मैदान के अंदर खड़े हुए, आप सभी मैदान के बाहर आके मैच देखें, काफी जगह है मैच देखने के लिए। मैं सभी दर्शकों से चाहूंगा आप ससम्मान मैदान के बाहर आकर, काफी जगह है नीचे बैठकर भी देखें, कारपेट लगा हुआ है, मैच देखने का सही मजा नीचे बैठकर देखने से आप मिलता है। इक्वल पॉइंट दिया है दोनों टीम को, एक पॉइंट है यहाँ पर। शानदार तरीके से देखते हैं कितने पॉइंट लेकर आए हैं अपने टीम के लिए, सुपर पे सुपर सुपर रेड। सुपर रेड 237 जी हाँ। बहुत ही शानदार मुकाबला चलता हुआ झारखंड वर्सेस हाथीसरा के मध्य, जिसमें हाथीसरा इस वक्त 5 अंक, झारखंड होता हुआ इंदौर वर्सेस जबलपुर के मध्य, जिसमें पहले रेडिंग करने के लिए जा रही है इंदौर की ओर से 3 नंबर जर्सी का खिलाड़ी इंदौर। जी हाँ, इंदौर की ओर से 3 नंबर की जर्सी में रेड डाले गए हैं कबक कबक की आवाज लगाते हुए, और शानदार पकड़ यहाँ पर हाथीसरा की ओर से दो हाथी और एक अंक बोनस लेकर गए हैं, और अपना पॉइंट देकर ऑल आउट करती हुई हाथीसरा की टीम झारखंड को ऑल आउट करती हुई इस वक्त, और हाथीसरा का स्कोर 3 झारखंड, हाथीसरा का स्कोर 9 झारखंड का स्कोर 3। एक वक्त ऐसा लग रहा था कि हाथीसरा 0 था और लगभग 2 पॉइंट से बढ़त बनाकर चल रही थी प्रथम झारखंड की टीम, लेकिन शानदार वापसी की है हाथीसरा की टीम ने, यहां पर गलती कर बैठे इंदौर की ओर से, में फंस गए इंदौर की ओर से 12 नंबर की जर्सी में रेड डालने गए हैं के वापस बोनस, और ये अच्छी पकड़ ईच 1-1। बहुत ही शानदार मुकाबला, लेकिन इस वक्त केवल एक तरफा मुकाबला दिखाई देता होगा हाथीसरा वर्सेस झारखंड के मध्य, जिसमें झारखंड के खिलाड़ियों को अपनी वापसी करनी होगी, जिस प्रकार से रीवा की टीम ने वापसी की थी उसी प्रकार से
झारखंड की टीम को भी वापसी करनी होगी। जो 7 अंकों के बढ़त बनाया है इस वक्त हाथी सरा, उसे बराबरी की स्थिति में लाना होगा। और इसी बीच 10 नंबर का जर्सी खिलाड़ी हाथी सरा के मैदान पर अपना खेल का अच्छी मुजाहरा करते हुए। और महिला वर्ग में भी काफी कांटे की टक्कर चलता हुआ, अभी तक इंदौर 7 और जबलपुर 1। कबड्डी कबड्डी को आगे लगाते हुए आज ये अच्छी प्रस्तुत करने की कोशिश। 3 नंबर की जर्सी में रेड डालने गए हैं इंदौर की ओर से, सुपर निकल ऑन। और ये जाते जाते गलती कर बैठे डिफेंडर, इसी के चलते पॉइंट गंवाता हुआ और बढ़ता हुआ इंदौर का स्कोर 1.1। फिर से जबलपुर की ओर से रेड डालने आए हैं, देखते हैं 7 के डिफेंस में पॉइंट लाना काफी मुश्किल। रेडल सेल्फ आउट। और पुरुष वर्ग में भी काफी अच्छी मैच चलता हुआ, हाथी सरा वर्सेस झारखंड, झारखंड अभी पीछे। बहुत ही शानदार एक डिफेंडर का सेल्फ आउट हो गया अपनी गलती के कारण, लाभी लाइन से बाहर चले गए और 2 अंकों का इजाफा हुआ झारखंड की टीम को। और बढ़कर स्कोर झारखंड 6 हाथी सरा केवल 2 ही अंक मिलेगा इस वक्त हाथी सरा की टीम को। और फिर से जबलपुर की ओर से महिला वर्ग में रेड डालने आए हैं, देखते हैं क्या कर पाते हैं अपने और अपने टीम के लिए। ये अच्छी इधर से उधर चहल कदमी, लेफ्ट कॉर्नर से राइट कॉर्नर खिलाड़ी को भटकाते हुए और एमपी रेड करके वापस। और एंटी रेट करके सुरक्षित अपनी कोर्ट पर 10 नंबर जर्सी का खिलाड़ी झारखंड का। और ये जो प्यूस है लेफ्ट और राइट दोनों कोने में रेडिंग करते हैं, जितनी अच्छी उनकी लेफ्ट कॉर्नर की रेडिंग है उतनी अच्छी रेडिंग राइट कॉर्नर में है। रेड अराउंड 1 पॉइंट इंदौर। और इसी के साथ इंदौर का अभी तक का पॉइंट 14 और इसका विपक्षी टीम का। और इसी के साथ बढ़ता हुआ पॉइंट जबलपुर का 2। अभी तक अच्छी पकड़ बनाए हैं इंदौर की टीम जबलपुर के विरुद्ध। बहुत ही शानदार मुकाबला चला फर्स्ट हाफ में झारखंड वर्सेस। और पुरुष वर्ग में भी काफी कांटे की टक्कर चलता हुआ दोनों ही टीम के मध्य, झारखंड 6 और हाथी सरा 13। ये कोई मायने नहीं रखता, कबड्डी के खेल में एक रेड में लेवल हो सकते हैं स्कोर। और फिर से रेड डालने आए हैं 9 नंबर की जर्सी में। सेकेंड हाफ का सेकंड रेट जिसने फर्स्ट रेट जो एंट्री रेट था, लेकिन सेकंड रेट नहीं होगा क्योंकि हाथी सरा का जो रेडिंग है पीयूष काफी अच्छी रेडिंग करते हैं अपनी टीम के लिए। और इसी बीच झारखंड का रेडर 6 नंबर की जर्सी। बहुत ही शानदार तरीके से अपने रेडिंग का मुजाहरा करते हुए इस वक्त झारखंड का रेडर 6 नंबर जर्सी का खिलाड़ी और एंटी रेड लेकर सुरक्षित अपने कोर्ट पर। और यहां पर सुपर टैकल ऑन है। अच्छी डिफेंस, रेडर आउट। और इसी के साथ बढ़ता हुआ लीड इंदौर का 18। आकाश है रेडिंग करने के लिए हाथी सरक की ओर से और कल टाइम स्पेंड कर रहे हैं और एंटी रेड करके सुरक्षित अपने कोर्ट पर।
और एक डुअल डायरेक्ट है, डुअल डायरेक्ट में गए हैं और हमारे साथ तरीके से कैच कर लिया गया है। फोटो कॉपी डाइव लगाकर अमिता फोटो स्टूडियो के अंदर यशवंत भैया अति शीघ्र मंच में आप संपर्क करें। यशवंत अंकिता फोटो स्टूडियो वन पॉइंट जबलपुर हमारे जीदा के खेल अधिकारी आदरणीय मनोज हितलरी जी का आयोजन समिति की ओर से बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन। निश्चित तौर पे जब से आप जिला की कमान संभाले हुए हैं आप देख रहे हैं जिस प्रकार से आज बागबाहरा के जन्मदिन प्रांगण में भारत देश से 10 राज्यों की टीम महिला पुरुष भाग ले रही है, निश्चित रूप से आपका भी एक बड़ा योगदान रहता है, एक बड़ा सहयोग रहता है आयोजन समिति को। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मनोज सर जी। महिला वर्ग में लगभग एक मिनट शेष। मैं आयोजन समिति की ओर से स्वागत की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे आयोजक समिति के प्रमुख आदरणीय डेमन राज मनोज जी साहब का आप आए और ससम्मान मनोज सर जी का फूलमाला से स्वागत कर, साथ ही साथ मैं भाई जुगरू दिवंगत साहब का आप भी आए और आदरणीय मनोज सर का फूलमाला स्वागत अभिनंदन करें। आदरणीय जुगरू दिवंगत जी आए, भाई आशीष गणत्रा भी आए और आदरणीय मनोज सर का फूलमाला स्वागत करें। महिला वर्ग में भी काफी अच्छी मैच चलता हुआ। दीपल ध्रुव आप मंच के समक्ष आने की कृपा करें। दीपल ध्रुव रेफरी हाफ टाइम चॉइस कॉल, चेंज द कॉल सर। बहुत ही शानदार मुकाबला चलता हुआ झारखंड वर्सेस हाथी सड़क के मध्य, जिसमें झारखंड 7 अंक और हाथी सड़क 19 और एक डुअल डाइव पर आए हैं पीयूष, जो कि हाथी सेना के लिए काफी अच्छी रेडर है। देखते हैं टीम के लिए डुअल डाइव में कितना अंक लेकर जाते हैं या अपने अंक वहां बैठाते हैं। बहुत ही शानदार रीडिंग का मुजाहरा पेश करते हुए यहां पर बहन डिंपल ध्रुव आप आए और हमारे आज की पहुना और इस प्रकार से रीडर आउट करार दिया गया है। सम्मान इस प्रकार से अंतिम लगभग 5 मिनट समय शेष और शानदार तरीके से यहां पर ब्लॉक कर लिया गया है हाथी सड़क। बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, 5 मिनट भी बहुत होते हैं वापसी के लिए और अच्छी रेट आकाश द्वारा टाइम आउट हाथी सर। फिर से 10 नंबर के जर्सी में रेट डालने गए हैं कवट कवट के हाथ लगाते हुए, देखते हैं क्या कर पाते हैं। कृपया परिचय के लिए आ रहे हैं, थोड़ा सा क्रमबद्ध हो जाइएगा महिला वर्ग में। इधर तो परिचय है तो आ रहे हैं, कृपया खिलाड़ी बंधु कतारबद्ध हो जाए। हमारे क्रीड़ा अधिकारी सभी से परिचय परिचित होंगे इस वक्त, तो खिलाड़ी से सादर अनुरोध निवेदन कि क्रमबद्ध हो जाए। अंदर लगा दिया पर ज्यादा नहीं।
इसलिए झारखंड वर्सेस हाथीसर के बीच यह मैच चलता हुआ पुरुष वर्ग में अंतिम 3.5 मिनट समय शेष। पुनः 10 नंबर के जर्सी के खिलाड़ी हाथीसर के मैदान पर अपना रेडिंग करने के लिए गए हैं। देखते हैं अपनी टीम के लिए कितना अंक अर्जित कर पाते हैं, क्योंकि इस वक्त झारखंड की टीम काफी पिछड़ती हुई, उन्हें वापसी करनी होगी। जिस प्रकार से रैताल की टीम ने वापसी की थी, जिस प्रकार से रीवा की टीम ने वापसी की थी, उसी प्रकार के वापसी करनी होगी झारखंड की टीम को। और अंतिम 3 मिनट समय शेष पुरुष वर्ग में। ग्राम के बाहर कुर्सी यदि खाली होगा तो